दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली शासकों में से एक नाना साहेब पेशवा के बारे में। बालाजी बाजीराव पेशवा, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, वो मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध पेशवा थे। साथ ही इतिहास में वो अपने बहुमुखी व्यक्तित्व और समाज सुधारक कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। सैन्य उपलब्धियों के अलावा उन्होंने बहुत से तरीकों से मराठा साम्राज्यों के ध्वज को देश के कोने कोने में लहराने का काम किया है। बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र थे, जबकि बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे और बालाजी बाजीराव की माता का नाम काशीबाई था। 8 दिसंबर 1721 को बालाजी बाजीराव का जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम नाना साहेब था। अपने जन्म से ही वो बहादुर और वीर थे और अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। उनके छोटे भाई रघुनाथ राव और उन्हें एक और भाई जगन्नाथ राव भी थे, जिनकी मृत्यु युवावस्था में हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के बाद नाना साहेब सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। 1749 में जब छत्रपति शाहू की मृत्यु हुई, तब उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। 19 साल की अल्पायु में ही बालाजी बाजीराव के कंधों पर मराठा साम्राज्य का भार आ चुका था। बालाजी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां तक जा पहुंचा था। तकरीबन 20 सालों तक नाना साहेब ने मराठा साम्राज्य पर शासन किया। नाना साहेब एक महत्वाकांक्षी शासक थे और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी। 1741 में उनके चाचा चिमांची की मृत्यु हो गई और परिणाम स्वरूप उत्तरी जिले से लौटकर उन्होंने कुछ साल पुणे के नागरिक प्रशासन को सुधारने में व्यतीत किए। डेक्कन में 1741 से 1745 तक के समय को शांति काल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पुणे जाकर कृषि को बढ़ावा दिया, गाँव वालों को सुरक्षा दी और राज्य में कई सुधार किए। पुणे शहर के विकास में मराठा साम्राज्यों के शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साम्राज्य में उन्होंने पूना को एक विशालकाय शहर में परिवर्तित कर दिया। पुणे में उन्होंने मंदिर और विशालकाय पुलों का निर्माण किया और पूरे शहर का रूप बदल दिया। साथ ही पुणे के कात्रज में उन्होंने पानी के हौजों का भी निर्माण करवाया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध तक उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने शीर्ष बिंदु तक पहुंच चुका था, लेकिन निर्णयात्मक युद्ध में मराठाओं की हार ने पूरे देश पर शासन करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव पेशवा ने अपने बेटे विश्वास राव को खो दिया और उसके कुछ समय बाद ही 23 जून 1761 में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद उनका दूसरा माधवराव पेशवा उत्तराधिकारी बना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।